आयुर्वेदिक पद्धति में शीशम के पेड़ को काफ़ी उपयोगी माना गया है। इसकी छाल, इसकी पत्तियाँ विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर करती हैं। ऐसे में हमारे साथ बॉटनी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर हैं, हमसे ही जानना चाहेंगे किस तरीके से इसके पत्ते और इसकी छाल का उपयोग किया जाता है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ दूर होती हैं। आयुर्वेद में क्या बताना चाहेंगे इसके महत्व के बारे में? शीशम की लकड़ी ज़्यादातर जानी जाती है फर्नीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन असली बात यह है कि शीशम की मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। आयुर्वेद के हिसाब से सारी व्याधियों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कफ, वात और पित्त। जो वात और पित्त वाला पोर्शन है उसमें शीशम के पेड़ का हर पार्ट बहुत यूजफुल है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जुड़ी जितनी भी बीमारियाँ हैं हमारी, डायरिया है, पाचन का डिसऑर्डर है, बाइल की प्रॉब्लम है, इरिटेशन है, उन सब में शीशम की पत्तियाँ और शीशम का बार बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। किस तरीके से इसकी पत्तियों का उपयोग करें? इसकी पत्तियों को उपयोग करने के लिए तो हरी पत्तियाँ जो कम से कम 2-3 महीने पुरानी मैच्योर हों उनको लेके उनको सुखा के पाउडर बना के पाउडर की फॉर्म में लिया जाता है। बार को हम घिसके या पाउडर की फॉर्म में घिसके उसका पेस्ट बन जाएगा उसको ले सकते हैं डायरिया में खासतौर से, और इसके अलावा सुखा के पाउडर बना के भी लिया जा सकता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के अलावा जो शीशम का तेल होता है, तेल अगर निकलता है तो वो डिप्रेशन में बहुत फ़ायदा करता है। उसका तेल को आप माथे पे अपने स्किन पे लगाएं तो डिप्रेशन में फ़ायदा करता है। काढ़े के तौर पर भी इसको उपयोग कर सकते हैं? काढ़े के तौर पे लेने से भी बार्क से फ़ायदा होगा, पत्तियों से नहीं, बार्क को काढ़े के रूप में भी लिया जा सकता है। मैम, जैसे आयुर्वेद की अगर हम बात करें और पेड़ पौधों की बात करें तो प्राकृतिक जहाँ ऑक्सीजन देती है वही विभिन्न प्रकार की औषधि भी इनमें होती है, क्या बताना चाहेंगी, आप क्या अपील करना चाहेंगे? आयुर्वेद की दृष्टि से हमारा हर पेड़ पौधा बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसकी उसके औषधीय गुण के साथ साथ मानव के स्वभाव और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी वो महत्वपूर्ण होता है। इसी महत्ता को समझते हुए RGPG कॉलेज में भी एक मेडिसिनल प्लांट की वाटिका चल रही है जिसमें बच्चों को हम इन पेड़ पौधों के प्रति अवेयर करते हैं और इनके औषधीय गुणों से उनको जानकारी उनको निरंतर देते रहते हैं।